टुडे आई एम शेयरिंग अ वेरी इजी रेसिपी. लाइक आप एक बार वेजिटेबल्स वगैरह कट कर लेते हैं तो हार्डली 10 से 15 मिनट में सब्जी बनके रेडी हो जाती है. एंड दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड वेजिटेबल, या फिर आप इसे पंचरत्न सब्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे 5 वेजिटेबल्स डालने वाली हूँ. यस अलीशा सी, मिक्स्ड वेजिटेबल, व्हाट इज दिस? कॉलीफ्लावर एंड कैरेट, बीन्स, आलू, पोटैटो एंड ग्रीन पीस, मटर. सो ये 5 मेन इंग्रेडिएंट्स है, मेन वेजिटेबल है, और इसके अलावा तो नॉर्मली प्याज और टमाटर ऐड करेंगे. सो लेट्स रोल. और ये तो सीजन है यार मटन और गाजर खाने की. मटन और गाजर फ्रेश मिलती है एंड आई रियली लव दैट वेजिटेबल्स. तो वो सब ऐड करके मैं बना रही हूँ एंड एक काफ़ी इजी रेसिपी है. 20 मिनट में आपकी रेसिपी जो है चॉपिंग बनाना वगैरह सब रेडी हो जाएगा. और इसे अच्छी तरीके से आप वॉश कर लीजिए और थोड़े बड़े बड़े कट कीजिएगा क्योंकि आप कुकर में बना रहे हैं. तो वैसे तो कोविड पे काफ़ी चला था कि गर्म पानी से 2-3 बार वॉश करें, मगर अब वो सब छूट गया है. नॉर्मल पानी में मैं 2-3 बार वॉश कर लेती हूँ. और उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज से थोड़ा बड़ा प्याज लिया था, उसे एकदम बारीक से चॉप कर लिए थे. और जो टमाटर है वो 2 छोटे साइज़ के लिए थे. उसके बाद मैंने कुकर चढ़ा दिया और उसमें मैं एक्चुअली रिकॉर्ड की थी मगर वो प्ले नहीं हो रहा है, तो मैंने उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है, उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई और एक सूखी मिर्च और तेजपत्ता ऑप्शनल है, डालना है तो डाल सकते हैं. उसके बाद मैंने प्याज टमाटर ऐड करके उसे अच्छी तरीके से मिक्स करना शुरू किया. अच्छी तरह से उसे चलाइए. उसके बाद आप उसमें अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिए और उसे अच्छी तरीके से आप मिक्स कीजिए. अब इसी टाइम पे जो है ना आप अपने बेसिक मसाले लाइक धनिया, हल्दी, मिर्ची, नमक भी ऐड कर सकते हैं. यूजुअली मैं हल्दी मिर्ची तो अभी ऐड कर देती हूँ, दोबारा से अगर कम ज़्यादा लगे तो ऐड करते, वरना नहीं. और वो सब ऐड करके उसे अच्छी तरीके से वापस से चलाइए. आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे टमाटर प्याज पक रहा है ना आपको रॉ स्मेल है वो चली जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि टमाटर प्याज है वो पक गया है. अब उसमें जो भी आपके जो वेजिटेबल्स है वो उसमें ऐड कर दीजिए. ट्रस्ट मी गाइस, काफ़ी टेस्टी बनती है ये सब्जी. और अगर आपको सीज़न नहीं रही तो आप अगर फ्रेश मटर या गाजर नहीं भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा, वो तो फिर सीज़न चल रही है बोल के मैंने ऐड कर दिया है. सो आप देख सकते हैं मैंने सारे वेजिटेबल्स उसमें ऐड कर दिए और अब इसे अच्छी तरीके से हम चलाएंगे. अब यहाँ पर आप नमक ऐड कर दीजिए आपके स्वाद अनुसार और गरम मसाला. मैं घर में गरम मसाला बनाती हूँ तो मैं 2 टीस्पून ऐड करती हूँ, 2-3 टीस्पून में वो स्मेल और वो जो फ्लेवर है ना वो आ जाती है. तो आपके गरम मसाले के स्वाद के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा. और धनिया मेरे पास नहीं था, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं. अब वो ऐड कीजिए नहीं कीजिए ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको. और यहाँ पे मैंने 200 ml के करीब वाटर ऐड कर दिया है. वाटर ऐड करके उसे 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए बॉईल होने के लिए और उसके बाद जो कुकर का ढक्कन लगा दीजिए विजल के साथ और 2-3 विजल लगाइएगा. उसके बाद चेक कर लीजिए अगर कॉलीफ्लावर, आलू वगैरह सब पके या नहीं. अगर नहीं पके तो आप फिर से 1 विजल लगा सकते हैं. वैसे मैंने 2-3 विजल लगाया, उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से पक गया था. वो मैश नहीं होना चाहिए, बस पक जाना चाहिए. सो 2-3 बजे लगाने के बाद देखिए मैंने कहा ना मैश नहीं हुआ, जस्ट पक गया. कुकर का ढक्कन खोला और काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ था. वो पानी भी जितना मैंने डाला था ग्रेवी के हिसाब से परफेक्ट हुआ है वो. अब इसमें हम धनिया पत्ता जो कट करके ऐड कर दीजिए और 2-3 मिनट छोड़ दीजिए बॉयल होने के लिए ताकि वो ऑयल जो है ना वो ऑयल ऊपर छोड़ दे और आपकी जो सब्ज़ी वो रेडी हो गई है. ट्रस्ट में गाइस काफ़ी अच्छी टेस्ट होती है. आप इसे टिफ़िन के लिए भी जल्दी फटाफट बना सकते हैं या फिर अगर कुछ जल्दी इंस्टेंटली आपको कुछ खाने का मन करे वेजिटेबल करी टाइप में आप ये बना सकते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज रेसिपी गाइस.
Wow, lovely. Reaction was genuine, guys, because he didn't know that I was recording it. If you liked anything in this video, do like, share and subscribe to my channel. Take care. Bye-bye.